good morning students civil engineering fourth semester strength of material and uh, topic uh, is bending moment and shear force diagram and uh, in this chapter we will discuss about uh, the uh, type of load and type of beam and shear force diagram and bending moment diagram and uh, from this chapter uh, ITU examination the question will be confirmed from uh, uh, bending moment diagram and uh, sfd and bmd shear board's uh, diagram so we will continue the first of all moment moment is the force into perpendicular distance from the axis and bending movement bending movement is the uh, bending moment is the moments of all vertical forces about the section is called bending moment okay. after that shear force what is the shear force shear force the algebraic sum of all vertical forces about the section or any point is called shear force about that section this means that shear force is the algebraic sum of all vertical forces that is called uh, shear forces and uh, after a uh, bending moment and shear force uh, then we will discuss the type of beam and type of loads uh, and uh, after that uh, we will continue the according to type of beam and type of load the numerical problems will be solved from the basis of type of load and type of beam the cantilever beam cantilever beam is the First of all, we will discuss the uh, first type of uh, cantilever beam. Cantilever beam is the uh, single supported beam and from the one side and other side is freed, free. The load will be uh, from downward direction or upward direction. That uh, from the figure, we will show that uh, first one side is fixed and other side is free of the cantilever beam. Okay. Next, uh, simply supported beam. In the simply supported beam, ये आर सिंपली सपोर्टेड जस्ट जस्ट लाइक दैट दिस इज द बीम एंड बीम व्हाट इज द बीम बीम इज द होरिजेंटल 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 बीम होरिजेंटल बीम को हम क्या बोलते हैं बार बोलते हैं यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम पे आपसे डिस्कस किया था इस चीज़ के लिए होरिजेंटल बीम को हम क्या बोलते हैं बार बोलते हैं और वर्टिकल बीम को क्या बोलेंगे कॉलम बोलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कॉलम्स भी इनको अपन कॉलम बोल सकते हैं सपोर्ट्स को यहाँ पर सपोर्ट निकल रहा है और रिएक्शन निकल के आ रही है देखो जहाँ जहाँ सपोर्ट लगता है जहाँ जहाँ सपोर्ट लगता है उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ वहाँ पर रिएक्शन निकल के आती है रिएक्शन ये अपने मैकेनिक से भी पड़ा हुआ है जहाँ सपोर्ट लगेगा मान लो ये बीम है और ये बीम के नीचे यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर निकल के आता है ठीक है क्योंकि इसका रीजन भी फिक्स है यहाँ पर बता देता हूँ तो एक बेसिक छोटा सा जैसे कि मान लो कोई यहाँ सरफेस है और ये लोड लग, ये लोड है इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एंड डब्लू इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन रिएक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन डब्ल्यू हमेशा आर के अपोजिट में होता है और रिएक्शन कंपलसरी ही लगती है रिएक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा न्यूटन के अकॉर्डिंग तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों तरफ सपोर्ट लगा होता है एंड अपर डायरेक्शन में कोई लोड आपका दिया हुआ है डब्लू ठीक है तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है सिंपल डायग्राम है सिंपली सपोर्टेड बीम का इस तरह से दिया हुआ है ये इसके बाद हम बात करें ओवर हेंगिंग बीम वट इज द ओवर हेंगिंग बीम ओवर हैंगिंग भी इज द सम पार्ट ऑफ बीम विल बी एक्स्ट्रा फ्रॉम द ओवरग फ्रॉम द ओवरग मतलब इस तरह से ये ओवरहैंग साइड में निकला हुआ है दोनों तरफ की जो बीम है ये क्या हैं ओवरेंग हो, हो रहे हैं बाहर की तरफ लटक रहे हैं ओवरहैंग का मतलब बाहर की तरफ लटक रहे हैं ज़्यादा हैंगिंग हो रही है इनकी सपोर्टेड जहाँ पर सपोर्ट लग रहा है उससे जिस पॉइंट ऑफ सपोर्ट जहाँ पर दिया हुआ है मान लो ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है ए टू बी ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में हैंगिंग हो रखी है इसको हम बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम एंड लोड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो रिजिडली फिक्स्ड बीम देखो रिजिडली फिक्स बीम में क्या होता है कि दोनों बीम जो हैं आपकी वो दोनों तरफ से क्या है फिक्सड है दोनों तरफ से फिक्स है एंड लोड लोड विल बी इन अपडनवर्ड डायरेक्शन लोड यहाँ पर लगा रखे हैं हमने और ये यह यहाँ पर दोनों तरफ से ये फिक्स्ड है तो इस बीम को हम बोलेंगे रिजिडली फिक्स्ड बीम फिक्स्ड है भाई सब नाम से क्लियर है हर एक बीम का नाम से क्लियर है कैंटिलीवर बीम है एक साइड फ्री है अदर साइड फिक्स्ड है एंड देन फोर्स अप्लाईड सिंपल सपोर्ट बीम है दो बीम लगी हुई है सिंपली सपोर्ट है आपका सिंपली सपोर्ट जैसे बोलेंगे ये बीम है इनका दोनों बीम है सपोर्ट लगा हुआ है एंड ओवरहैंगिंग बीम की हम बात करें तो ओवरहैगिंग बीम में एक्स्ट्रा ओवरहैंग हो रखा है हैंगिंग हो रखी है रिजिडली बीम में ही है बताया भी कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कंटिन्यूस बीम में नंबर ऑफ सपोर्टेड विल बी कंटिन्यू एंड देन एंड देन नंबर ऑफ फोर्सेज विल बी इन अप्लाइड इन कंटिन्यू मतलब यहाँ पर जो W है W की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर कंटिन्यू अप्लाइंग है और सपोर्टेड जो है सिंपली जो बीम है इसके अंदर जो सपोर्ट्स रिएक्शन लगी हुई है वो कंटिन्यू लगी हुई है ठीक है तो ये आपका हो जाता है कंटिन्यू बीम ठीक तो टाइप्स ऑफ बीम के अंदर ये आपके फाइव टाइप्स के बीम हैं और इन टाइप्स के साथ हम टाइप्स ऑफ लोड की स्टडी करेंगे और हर एक लोड के साथ हर एक बीम का न्यूमेरिकल यहां पर बन के निकल के आएगा ठीक है नोट no, डाउन कर लीजिए एंड यू कैन नोट डाउन द सियर फोर्स सीयर फोर्स डेफिनेशन ऑफ सियर फोर्स द एलज्रिक समर्टिकल फोर्सेस इसको मैं बिठा देता हूं द एल्ज्रिक फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पर वट इज दीयर फोर्स द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अबाउट द सेक्शन और एनी पॉइंट इज कॉल्ड इज कॉल्ड फोर्स एट दैट अबाउट दैट सेक्शन अबाउट दैट सेक्शन जस्ट लाइक वी टेक एग्जाम्पल ये आपके पास यहां पर लोड दिया हुआ है डब्ल्यू ठीक है एक यहां पर कोई रिएक्शन निकाली हुई है या लोड है जो भी है एंड ये सेक्शन दिया हुआ है आपको इस सेक्शन के अबाउट सीयर फोर्स निकालना है ना सीयर फोर्स एट सीयर फोर्स अबाउट एट दैट सेक्शन अबाउट एट दैट सेक्शन सियर फोर्स अबाउट एट दैट सेक्शन इस सेक्शन के अबाउट आपको सीयर फोर्स निकालना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल एल्ज्रिक समब्रिक समोर्सेस है ना एलजब्रिक समल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेज या वर्टिकल फोर्सेस ही है इनका हम सम करेंगे तो क्या जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस हम वर्टिकल फोर्सेस का सम करेंगे तो क्या आएगा W माइनस आर अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस हो जाएगा दैट इज सियर फोर्स है ना तो इस सेक्शन के अबाउट हमारे पास सीयर फोर्स आ गया यहां पर यहां तक ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका छोटा सा ये बैंडिंग मूवमेंट डेफिनेशन लिख लीजिए बेंडिंग मूवमेंट की बैंडिंग मूवमेंट मूवमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मूवमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मूवमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अबाउट द सेक्शन इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द सेक्शन इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट जस्ट लाइक बेंडिंग मूवमेंट जैसे कि मान लो हमको मूमेंट निकालना है है ना मूवमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स ये फोर्स है फोर्स इंटू ये डिस्टेंस है आपका तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दैट मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम करेंगे इसको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दैट मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट ठीक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं हम ठीक है तो ये हो जाएगा आपका बैंडिंग मूमेंट ओके इसकी डायरेक्शंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम देखो डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मूवमेंट में मोमेंट के अंदर हम डायरेक्शन निकालना है डायरेक्शन की बहुत जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको डायरेक्शंस की देखो डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे जैसे कि मान लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है आपको ठीक है और ये यहाँ पर लोड दिया हुआ है ये यहाँ पर इस तरह से मैं लोड भी काउंट कर लेता हूँ ट्वेंटी किलो न्यूटन का ले लेते हैं यहाँ पर ये टेन किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है ठीक है ये फोर है ये डिस्टेंस फाइव है ये डिस्टेंस टू है इस टाइप से कोई एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने छोटा सा ये दिया हुआ है अब इसके आ, अबाउट ए टू बी ए बी सी डी ये चार पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर अब आपको मूवमेंट लेना है तो मूवमेंट देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट के अबाउट यहां पर लिखना पड़ेगा अपन को बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एट बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एट ए ए पॉइंट के अबाउट यदि आप मूवमेंट लेते हो तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स आपका ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय फोर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया हुँ? उसके बाद फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस टेन इंटू नाइन इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ठीक है टेन इंटू नाइन फाइव प्लस फोर नाइन ठीक है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस आर बी रिएक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर आर बी का आर बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो फाइव नाइन एंड एलेवन एलेवन एंड देन इक्वल टू जीरो यहाँ से इस तरह से आप निकाल पाते हो तो इसमें डायरेक्शंस की क्या कहानी है देखो डायरेक्शन को फोर्स को डिस्टेंस की तरफ जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है मान लो ये ए पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो यहां पर ए पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो यहां पर तो फोर्स को डिस्टेंस की तरफ मूव करवाओ जस्ट मूव इन टूआर द डिस्टेंस फोर्स जस्ट मूव इन टूआर द डिस्टेंस फोर्स को डिस्टेंस की तरफ आप घुमा दोगे तो आपको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक पता लग जाएगा ठीक है यहां पर कैसे फोर्स को मैंने डिस्टेंस की तरफ मूव करवाया इस ए पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट तो निकाल रहे हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपकी ये डिस्टेंस है यहाँ पर आप जा रहे हो तो इस तरह से आपका ये क्लॉक है पूरा तो आप क्लॉक और एंटी क्लॉक की डायरेक्शन पता लग जाएगा जैसे कि आर ये रिएक्शन दिया हुआ है आर बी ये फोर्स है आपका फोर्स को मैंने डिस्टेंस की तरफ मूव करवा लिया डिस्टेंस मेरा कौन सा है ये ठीक है तो मेरा ये हो गया इस तरह से तो यहाँ से आप इसका पता लग जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंटी वाइज और क्लॉकवाइज कोई भी एक पॉजिटिव आप चूज कर सकते हो जनरली एंटी वाइज वी टैग पॉजिटिव एंड क्लॉक वाइज वी टैग है नेगेटिव साइन ठीक है आफ्टर दैट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड वी विल डिस्कस्ड द टाइप ऑफ लोडिंग टाइप ऑफ लोडिंग एलओडी या नंबर ऑफ टाइप ऑफ लोड फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लोड पॉइंट लोड पॉइंट लोड क्या होता है यहां पर देखते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड है ना जिसका दूसरा नाम भी है कंसंट्रेटेड लोड कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड किसी बीम पर कोई बीम दी हुई है आपको इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लोड लगता है उसको हम पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है लोड ओके okay? मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि लोड लगता है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट लोड और इट इज जनरली डोनेटेड बाय दिस फ्राम एसो इन फिगर मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पर इस तरह से ये दे रखा है हुँ? और जहां रिएक्शन लगती है सिंपली सपोर्टेड भी हम सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन लगेगी वो इसी बात है तो जनरली ये पॉइंट दे रखे हैं ए एंड बी तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं ये सर आर ए और आर बी दे रखा है नो डाउन सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यू डी एल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जनरली क्या होता है पहले बात तो अपन ये देखते हैं कि ये कोई बीम दी हुई है इस बीम पर इस तरह से शो होता है लोड ये ये कोई बीम दी हुई है ए टू बी यहां पर ये सपोर्ट लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम ये एक तो इसका मेंशन करने के दो तरीके हैं या तो या पर ये ऐसा दिया हुआ होता है या फिर ये छोटे छोटे इस तरह से लोड दिया हुआ होता है और ऊपर पैक्ड होता है ये है ना पूरे बीम पर ही कर लो चाहे ए बी सी कुछ भी कर लो है ना कोई बीम दे रखी है ये ठीक है ये इस तरह से दिया हुआ होता है को थोड़ा ऊपर बना लेता हूं मैं एक मिनट रुको देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इंडिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इस, इस तरह से कोई इंडिकेशन दिया हुआ है बीम के ऊपर और ये पैक्ड होता है इस तरह से ठीक है या तो ये होगा या फिर और लगा के मैं लिख रहा हूँ उधर जनरली डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये दोनों ही यूज़ हो रखे हैं ठीक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब है कि एक बीम पर इक्वली यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर लेंथ है इसकी एल और यहाँ पर जो ये लोड है इसको हम W पर यूनिट लेंथ से इसने डिनोट किया है ये जो पूरा लोड है इसको W स्मॉल W पर यूनिट लेंथ से डिनोट किया है मतलब कि इसकी हर एक यूनिट पर डब्ल्यू लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस मीज दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का यह मतलब है ठीक है <coughs> W पर यूनिट लेंथ ही समझ में आ गया अब इसको लोड में कन्वर्ट करना है को। हम ध्यान रखना हमेशा लोड में कन्वर्ट करेंगे ये कैपिटल डब्ल्यू चाहे स्मॉल डब्ल्यू की बात है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है ये इसका लोड दिया हुआ है ध्यान रखना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये इसका लोड दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय लेंथ करोगे आप तो आपके पास यहाँ पर एक लोड निकल के आएगा डब्ल्यू की फॉर्म में ठीक है और यही लोड आपका आगे जाके पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि सर ये ए टू बी दिया हुआ है है तरह से इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं और W पर यूनिट लेंथ यदि है आपके पास उसको L से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक यूनिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर लेंथ पर तो मल्टीप्लाई बाई एल देन वी विल गेट W एंड W इज प्लेस प्लेस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बीम W इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बीम तो W हमने प्लेस किया मिड पॉइंट पर बीम के बीच में तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर इस लेंथ के मिड पॉइंट पर होगी और ये जो लेंथ हो जाएगी एल बाय टू फ्रॉम द पॉइंट ए यदि आपको मोमेंट निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ए एल बाय टू बी से निकालोगे तो भी एल बाय टू होगा है हाँ ना तो यहाँ से हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं अब ये डब्ल्यू एज ए पॉइंट लोड वर्क करेगा ठीक है एंड लास्ट थर्ड वन इज़ टाइप ऑफ लोडिंग में आपका आता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड यूनिफॉर्म वी ए आर वाई आई एन जी वेरिंग लोड यूनिफॉर्म वेरिंग लोड एंड यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का डायग्राम इस तरह से बनता है यहां पर जो लोड है वो वैरी करता हुआ आगे बढ़ता है इंक्रीज होता हुआ इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड ये लेंथ दी हुई है ये इसकी हाइट दी हुई है एच ठीक है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में जो आपका लोड है वो जीरो से वेरी करता हुआ इंक्रीज होता हुआ आगे बढ़ता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे वहाँ पर इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और आगे हम बढ़ते हैं डायग्राम पर न्यूमेरिकल्स पर एंड आफ्टर दैट टाइप ऑफ लोडिंग एंड डिस्कसिंग टाइप ऑफ लोडिंग एंड टाइप ऑफ बीम्स देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पॉइंट्स सो प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स फॉर पॉइंट लोड ये नूमेरिकल से पहले एक तैयार करना है आपको फोर पॉइंट लोड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट फोर पॉइंट लोड फोर पॉइंट लोड दस फोर्स डायग्राम हैज स्ट्रेट लाइन पॉइंट लोड के लिए दस फोर्स डायग्राम हैज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हैज इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पॉइंट लोड के लिए हमको जब सियर फोर्स डायग्राम हम तैयार करते हैं वहां पर यदि पॉइंट लोड दिया हुआ है सियर फोर्स बनाना है तो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे ये कुछ पॉइंट्स हैं दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे एंड बेंडिंग मूवमेंट यदि आपको निकालना है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको बनाना है बी तब तैयार करना है उस केस में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हैज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ये साफ साफ लिखा हो मैंने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए हम बात करें तो फोर्स डायग्राम हैज स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन इंक्लाइंड लिख दो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन फोर्स डायग्राम में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हैज कर्व लाइन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हैज कर्व लाइन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हैज कर्व लाइन ठीक है तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द नोमेरिकल ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड सीयरफोर्स डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट एंड सीयरफोर्स डायग्राम फ्रॉम द फिगर ये फिगर दिया हुआ है और आपको यहां पर निकालना है फाइंड आउट द फाइंड आउट दियरफोर्स डायग्राम ड्रॉ द सॉरी ड्रॉ करना है ड्रॉ दियरफोर्स डायग्राम एंड बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम ठीक है ये आपको यहां पर प्रिपेयर करना है इसमें फ्रॉम दिस क्वेश्चन देखो इसमें ध्यान से देखो 20 किलो न्यूटन का यहाँ पर पॉइंट लोड दिया हुआ है ये 20 किलो न्यूटन का यहाँ पॉइंट लोड दिया हुआ है एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर का ये यू डी एल दिया हुआ है सी टू डी ए बी सी डी ई यहाँ पर ये फाइव पॉइंट दिए हुए हैं और ये जो बीम है ये आपकी कैंटिलीवर बीम है ठीक है ये कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पर 20 किलो न्यूटन का यहाँ पर एक लोड दिया हुआ है इसके बाद ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल दिया हुआ है आफ्टर दैट टेन न्यूटन का अगेन पॉइंट लोड यहाँ पर दिया हुआ है इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है वन मीटर वन मीटर टू मीटर एंड वन मीटर टोटल डिस्टेंस जो लेंथ है इस बीम की वो है फाइव मीटर ठीक है एंड फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस्ड एंड कंटिन्यू ऑफ द देट numerical सॉल्विंग प्रॉब्लम ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस numerical को solve करवाऊँगा एस एफ डी बी एम डी डायग्राम तैयार करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो